वापस आपको बता दें कि जमशेदपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग के अभियंता के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। मुख्य अभियंता हैं ये, इनके घर छापेमारी की गई और यहां से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी की टीम ने यह कार्रवाई की है। सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के घर से ये पैसे बरामद किए गए हैं। लेकिन सवाल ये है, न्यूज 11 भारत के कुछ सवाल कि आखिर किस काम के लिए ये 3 करोड़ रुपए यहां लाए गए थे। उससे भी बड़ा सवाल ये कि चुनावी मौसम में 3 करोड़ रुपए घर में रखने के मायने क्या है। सिंचाई अभियंता के पास कहां से इतने पैसे आए? क्या ये भ्रष्टाचार के पैसे नहीं है? अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा है तो फिर इस भ्रष्टाचार का जिम्मेदार कौन है? बिना किसी के वर्द हस्त के ये भ्रष्टाचार संभव नहीं, तो सिंचाई अभियंता को आखिर किसका वर्द हस्त मिला हुआ है? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जरूरी हैं। न्यूज 11 भारत के ये तमाम सवाल कि आखिर ये 3 करोड़ रुपए किस लिए लाए गए थे, चुनावी मौसम में घर में 3 करोड़ रुपए रखने के मायने क्या हैं? तो बड़ी कार्रवाई एसीबी की टीम की, छापेमारी हुई सिंचाई विभाग के अभियंता के घर और वहां से 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। घर में क्यों रखे गए थे ये 3 करोड़ रुपए, किस काम के लिए रखे गए थे और कहां से आए इतने सारे रुपए? एसीबी की टीम छापेमारी के लिए पहुंची, 3 करोड़ रुपए जब्त किए गए और पूरे मामले की तफ्तीश चल रही है कि आखिर ये पैसे किसके हैं, कहां से लाए गए, यहां पर क्यों रखे गए और किस काम के लिए लाए गए थे। जमशेदपुर से इस वक्त आपको एक्सक्लूसिव खबर हम बता रहे हैं। सिंचाई विभाग के अभियंता के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। एसीबी की टीम ने छापेमारी की है, छापेमारी में ये पैसे बरामद किए गए हैं और तो कुछ सवाल भी हैं न्यूज 11 भारत के कि आखिर ये पैसे क्यों लाए गए यहां पर, किसने लाए और किस लिए रखे गए थे। जब ये चुनावी माहौल है ऐसे में कैश ज्यादा होने पर एक लिमिटेशंस भी है कि आप इससे ज्यादा कैश ला नहीं सकते, ले जा नहीं सकते, तो आखिर इतने बड़ी रकम कैसे लाई गई, यहाँ रखी हुई थी, घर में क्यों रखे हुए थे 3 करोड़ रुपए, कहाँ से लाए गए इतने रुपए, किसके हैं ये रुपए और किस काम के लिए लाए गए ये रुपए? अगर ये अगर लाए गए हैं किसी के मदद मिली है तो आखिर कौन है वो मददगार, आखिर ये पैसे यहां पर लाए कैसे गए, क्या ये भ्रष्टाचार के पैसे नहीं है? और अगर ये भ्रष्टाचार का पैसा है तो फिर किसका हाथ है सिंचाई अभियंता के सिर पर? ये तमाम सवाल हैं, इनके जवाब भी जरूरी हैं। एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई जमशेदपुर में, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के घर छापेमारी और छापेमारी में 3 करोड़ रुपए की बरामद की। तो जमशेदपुर से बड़ी खबर और सवाल भी लाजमी है कि आखिर चुनावी मौसम में इतने रुपए घर में रखने का मतलब क्या है, क्यों लाए गए ये रुपए, किसने ये रुपए भेजे, कौन लेकर आया और घर में क्यों रखे गए इतने रुपए? कई सवाल जिनके जवाब तलाश रही है पुलिस की टीम। लेकिन एसीबी की टीम को सूचना मिली, घर में छापेमारी हुई और छापेमारी में इतनी बड़ी रकम बरामद की गई और अब तमाम सवालों के जवाब ढूंढ रही है पुलिस। तो जमशेदपुर में सहायक अभियंता के घर से 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं और अब पुलिस तमाम छानबीन कर रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हैं प्रभात, उनसे जान लेते हैं। प्रभात, अगर सिंचाई विभाग के जो अभियंता हैं उनके घर छापेमारी हुई, इतनी बड़ी रकम जब्त की गई, तो क्या ये पता चल पाया है कि आखिर क्यों ये रुपए लाए गए थे, किसकी मदद से लाए गए थे, कुछ ऐसी जानकारी? देखिए, अभी सर्च अभियान चल रहा है और 2,44,84,000 रुपए अभी तक बरामद किए गए हैं और ये सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता हैं जिनके घर में एसीबी ने छापामारी किया है और सर्च अभियान अभी भी कर रही है। तो देखा जाए तो कल एसीबी की टीम ने ही इनको 10,000 रुपए रंगे हाथे घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था, उसके बाद इनके घर का सील कर दिया था, उसके बाद आज सर्च अभियान चला रही है और सर्च अभियान तहत इनके घर के अलमारी से 2,44,84,000
1,84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से पैसे आए, किस तरह से पैसे आए, ये सब जांच के विषय है और सब जांच किया जा रहा है। ठीक है मनोज, तो इनका इनका ट्रैक पहले से ही खराब रहा है। कल वो घूस लेते पकड़े गए और जब घर पर छापेमारी हुई तो इतनी बड़ी रकम बरामद हो गई। इनका बैकग्राउंड अगर पुलिस तलाश रही होगी तो और क्या कुछ पता तो जरूर चल पाया होगा कि आखिर वरदहस्त किनका था, किनकी मदद से ये पैसे लाए गए, और क्या कुछ जानकारी इनके रिकॉर्ड के बारे में मिल पाया है, इनका इनका जो बैकग्राउंड है, सिंचाई अभियंता के जो सिंचाई विभाग के जो सहायक अभियंता है उनके बारे में अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड ढूंढे तो कैसा है? देखिए, अभी पूरी जांच पड़ताल एसीबी की टीम कर रही है और उसके बाद ही पता चल जाएगा कि आखिर कहां से इतने पैसे लाए थे और किसके द्वारा पैसे लाए थे, कहां से कहीं और कहां से पैसे लाकर यहां रखे हुए थे, ये सब जांच पड़ताल किया जा रहा है। हालांकि अभी अभी पैसे बरामद हुए हैं, उसके बाद ये घूस के पैसे थे या कहीं कमीशन लिए थे, ये सब कहां, और ये इतने सालों से अगर करीब बता रहे हैं कि 30-35 सालों से इसमें कार्य में जुड़े हुए थे, उसके बाद अगर देखा जाए तो अभी जांच पड़ताल पूरी हो रही है, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन अभी एसीबी की टीम पूरी सर्च कर रही है अभी। चलिए मनोज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एसीबी की टीम पूरी छानबीन कर रही है, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये पैसे कहां से लाए गए। लेकिन एक अहम जानकारी जो इस बीच आई कि ये अभियंता जिनकी आज गिरफ्तारी हुई है, उन्हें जिनके घर से ये रकम बरामद की गई है उन्हें कल ही गिरफ्तार किया गया था घुसखोरी के आरोप में। कल वो घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए थे और इनके घर को सील कर दिया गया था। आज एसीबी की टीम ने पूरा घर खंगाला, छापेमारी की और वहां पर अलमारी में रखे ये 2,44,84,000 रुपए बरामद किए गए हैं। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या जो ये पैसे बरामद किए गए हैं ये कमीशन के पैसे हैं या फिर चुनावी मौसम में किसी से लिए गए पैसे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है और इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है कि क्या पहले से भी इनका इनका बैकग्राउंड कैसा रहा है अभियंता का। इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो पुलिस ढूंढ रही है। और बता दें आपको कि जमशेदपुर में सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता के घर से इतनी बड़ी रकम बरामद की गई है। आकलन हुआ अभी तो पता चला कि 2,44,84,000 रुपए बरामद हुए हैं। इससे पहले कल उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था रंगे हाथ घुसखोरी के आरोप में, घूस ले रहे थे और पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया था और कल इनके घर को सील किया गया था। आज जब घर घर की छानबीन की गई तो अलमारी में रखे ये पैसे बरामद किए गए हैं और अब इन पैसों का पैसों क्या कहां से ये पैसे आए हैं, किसने ये पैसे भेजे हैं और किस लिए ये पैसे रखे गए थे, इन तमाम सवालों के जवाब पुलिस ढूंढ रही है। 44,80,000 अभी तक गिनती हुई है, अभी जारी है। कितना टोटल बोले? 2,44,80,000। अच्छा, कौन आ गया घर? ये घर है एक, मैं ये वर्मा है, एसपी वर्मा जूनियर इंजीनियर है, वो नीचे रहते हैं। कल उनको गिरफ्तार किया गया था रंगे हाथ लेते हुए और उन्हीं का घर आज हम लोग चेक कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि कोई भाड़ेदार है, तो भाड़ेदार का कागज ला रहे हैं, भाड़ेदारी तय की जाएगी। और एक एक और बगल में है, उसको भी हम लोग भी चेक करें। पैसा कहाँ से, क्या क्या पैसा अलमीरा में रखा हुआ था, कहाँ का पैसा, क्या बता रहे हैं कि पैसा कहाँ का था? नहीं, लोगों अभी को है नहीं। और क्या क्या बरामद हुआ है? इतना पैसा कैश में, चुनाव के समय में कैश में, तो इसमें रखा हम लोग, तो उस पर तैयार हुआ तो हम लोग थोड़ा चेक किया उसका घर, उसके दरमियान मिला है। और कुछ सामान मिला है क्या? नहीं, वगैरह कुछ गोल्ड मिला है जी। कितना का? लगभग 100 ग्राम के आसपास। अच्छा, अभी और कहीं रूम भी खाली मिला? एक एक फ्लैट और अभी चेक कर रहे हैं, चेक करने बाकी है। क्या मामला में गिरफ्तार किया गया था उनको? घुस लेने में। किस एवज में ले रहे थे घुस? एक घुस लेने रहे थे, इंजीनियर थे, बिल पास करने के। कल उसका FIR हुआ है जी। कल आया, कहाँ से गिरफ्तारी हुई थी सर? उसकी गिरफ्तारी डिमनल चौक। कुछ और मैंने, और जमीन जायदाद कुछ? हाँ, जमीन के भी सारे कागजात मिले हैं, 5-6 फ्लैट के कागजात मिले।